उपद्रव कर रहा है और लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाएं शोभा नहीं देती है, अमर्यादित है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। विकास की लहर वहां चल रही है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है और जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास सम्मान के साथ न्याय के साथ विकास और आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ता हुआ भारत के प्रति लोगों का जो विश्वास जगा है, उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी के नेतृत्व में बनी है। वैसे लोग जो सपा के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं या उस प्रकार की गतिविधियां जो हमेशा समाज को तोड़कर सत्ता में आना चाहती है, आज़ादी के इतने वर्षों तक अगर इन 7 वर्षों के कालखंड को छोड़ दें और बीच के कुछ कालखंडों को जिस समय गैर कांग्रेसी सरकार रही है उसको अगर छोड़ दें तो लगातार देश का विकास भी अवरुद्ध रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा भी सुरक्षित नहीं रहती थी, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं रहती थी, लेकिन आज हर प्रकार के अपने संकल्प और कर्मठता और एक कर्मयोगी की तरह काम करके आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जिस ओर लेकर चले हैं कि आज दुनिया मानी है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ही नहीं एक नई दुनिया की नई व्यवस्था खड़ी हो रही है जिसमें शांति बंधुत्व और विकास प्रमुखता से है, आतंकवाद का कहीं कोई प्रश्रय न मिले, आतंकवाद खराब हो और शांति के साथ विकास की गति आगे की ओर बढ़ती है। बीजेपी और माजी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या कहेंगे?